ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? आखिर कन्हैया को मंच पर नारा लगाने से क्यों रोक लिया गया नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर कन्हैया मंच से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तभी कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह की एंट्री होती है और वो कन्हैया को बैठ जाने को कहते हैं पर हाँ बाद में वो खुद राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं बता दें बिहार के औरंगाबाद में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये घटना हुई हालांकि ये बात साफ नहीं हुई कि आखिरकार कन्हैया को रोका क्यों गया पर अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है पहले एक बार फिर से ये पूरा वीडियो देखिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जब भी माइक थामते हैं विपक्ष को खूब सुनाते हैं इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कन्हैया ने मोदी सरकार पर हमला तो बोला ही साथ ही पलटी मारने के बाद इस बार कन्हैया के लिस्ट में नीतीश कुमार भी शामिल थे कन्हैया ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फुटबॉल की तरह कभी इधर तो कभी उधर जाते हैं और तीन वर्ष में तीन बार मुख्यमंत्री बनते हैं और सत्ता पलट का पूरा इल्जाम बीजेपी पर डालते हुए साफ चेतावनी डाली कि बिहार में फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। सवाल चुनाव जीतने का नहीं है सवाल किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है सवाल यह है कि बिहार में रहने वाले जो चौदह करोड़ लोग हैं चाहे वो किसी भी जाति के हों चाहे वो टीका लगाने वाले हों या टोपी पहनने वाले हों किसी भी धर्म के हों किसी भी समुदाय संप्रदाय के हो किसी भी बोली को बोलने वाले हो चाहे वो बघी बोलते हो भोजपुरी बोलते हो मैथिली बोलते हो अंगिका बोलते हो कोई भी भाषा बोलते हो बिहार के जो चौदह करोड़ लोग हैं उनके आत्मसम्मान का सवाल है फुटबॉल है जी वोट ले लीजिएगा और जब मन करेगा तब लतिया दीजिएगा ये जो बिहार के लोग हैं बिहार के लोगों को ये सोचना पड़ेगा महज अपनी कुर्सी के लिए महज अपनी राजनीति के लिए महज अपने चुनावी गुना गणित के लिए बिहार के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके यह अपील करना चाहता हूं दोस्त एक बात याद रखिएगा यह लड़ाई किसी पार्टी को सत्ता में लाने की नहीं है ये लड़ाई इस बात की है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा हक इस देश के दूसरे नागरिकों के बराबर है कि नहीं है इस दौरान कन्हैया ने बिहार के विश्वविद्यालय को मान सम्मान दिलाने की बात भी कही जाहिर है कि कन्हैया की हाजिर जवाबी हमेशा खबरों में रहती है पर इस बार कन्हैया का ये वीडियो वायरल है आपका इस वायरल वीडियो पर क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक